बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी दौर के लिए कल वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले शामिल हैं। 78 सीटों पर कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे दौर में 2,35,54,071 मतदाता वोट डालेंगे। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दंगे वाला मुख्यमंत्री बताया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में गोधरा दंगों के वक्त जब मुख्यमंत्री थे तो वो अपनी गरिमा बरकरार नहीं रख पाए। जो अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें आज टारगेट किया जा रहा है, नफरत में फैलाया जा रहा है, मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान देख करके आश्चर्य हुआ। मोदी को उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी गाली दिया, दंगाई कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जनरल बिपिन रावत ने नेशनल डिफेंस कॉलेज डायमंड जुबली वेबिनार में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है और LAC पर कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन की सेना को भारत के जवाब का अंदाजा नहीं है, लेकिन भारत को रक्षा डिप्लोमेसी की अहमियत का अंदाजा है। जनरल बिपिन रावत का बयान दोनों देशों की कोर कमांडर स्तर पर 8वें दौर की बातचीत के बीच आया है। जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को भी घेरा। उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ और ना सुधरने वाला पड़ोसी बताया है। पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड टू रिमेन द एपिसेंटर ऑफ आर्म्ड इस्लामिक इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। For 3 decades now, the Pakistan Army and its intelligence agency, the ISI, known as the Deep State, have been waging a proxy war in Jammu and Kashmir. जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है कि भारत में आतंकी भेजे तो भारत बख्शेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा खत्म करते हुए ममता सरकार पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार की अराजकता को लेकर जो गुस्सा है, उसे अब बीजेपी ही ठीक कर सकती है। मां माटी और मानुष का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सुनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने के आरोप पर अमित शाह ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के आखिरी दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के पंपोर की मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। तीसरे आतंकी ने सरेंडर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे, जबकि सरेंडर करने वाला आतंकी सुल्तान मीर पंपोर का ही रहने वाला था। दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद सुल्तान मीर ने राइफल रख दी और खुद को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर बार की तरह वहां पर अनाउंसमेंट्स की, ऑफर दिया सरेंडर का, तो उसने सरेंडर किया और जो बाकी 2 टेररिस्ट थे वो अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। पंपोर के लालपुरा में ये मुठभेड़ कल शाम शुरू हुई थी। आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में रैली की। उमर ने कहा, कश्मीर में अमन 370 की वापसी से ही लौटेगा। सबसे बड़ा नुकसान है, अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पर भी सही तरीके से सलामत नहीं हैं।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.